Hello everyone. Today our experienced faculty is here with some power-packed last-minute tips for you to maximize your performance. So let's dive in. Revising mock test, revising your own handwritten notes and revising the previous year questions. ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं. आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, लास्ट मिनट में रिवीजन क्यों करना, चिल डाउन, कूल डाउन. नहीं, रिवीजन 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 वो लास्ट मिनट तक जाती है. सो प्लीज इस बात को मत भूलिएगा. तो दोस्तों, कुबेर सर कह रहे हैं रिवाइज कीजिए. रिवाइज करना बहुत जरूरी है. इतना कुछ पढ़ा है आपने, छोटी बड़ी चीजें, कोई मार्क किया होगा कहीं पर, कोई अंडरलाइन, कोई स्कोर, कोई ऐसे गोला बनाया होगा, बहुत कुछ किया हो सकता है. तो अब रिवीजन करने से थोड़ा सा एक आगे स्टेप भी बढ़ाओ. आखिरी हफ्ता है, लास्ट 6 days हैं अज्यूमिंगली. तो ये लास्ट 6 days में एक काम करना प्लीज़, इस पर थोड़ा सा और तेज़ी लेकर आओ. वो है ट्रिकी एस्पेक्ट्स को समझ पाना. जो एग्ज़ाम पता क्या करता है, एग्ज़ाम आपको थोड़ा सा परेशान करता है कि जैसे कई बार वो पूछ देंगे आपको क्वेश्चंस का टाइप चेंज कर देंगे, या फिर नॉट नहीं पहचान पाएंगे, आपके नॉट लिखा था क्वेश्चन में नहीं. तो इसीलिए अब टेस्ट सीरीज में, कुबेर सर भी कह रहे थे, तो टेस्ट सीरीज में वापस जाइए और ट्रिकी एस्पेक्ट्स को ढूंढिए कि अच्छा ये ट्रिकी एस्पेक्ट था, ओ ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे याद आ रहा है मैंने ऐसे सॉल्व किया, या डिफरेंट तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा था मैं कुछ और तरह से इमेजिन कर रहा था. तो ट्रिकी एस्पेक्ट्स, राज्यसभा के बारे में कुछ कुछ बात की हो सकती है लक्ष्मीकांत में, हो सकता है कि आपने जो इको के नोट्स बनाए थे उसमें कुछ और देखा, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, कहीं कहीं जो आपने ट्रिकी एस्पेक्ट्स देखे थे उन पर आप रिविजिट कीजिए, लेकिन स्लोली. गेटिंग इट? रिवाइज कर रहे हैं चेकलिस्ट के जैसे कीजिए, एंड रिविजिट करते हुए ट्रिकी एस्पेक्ट्स को थोड़ा स्लोली एब्जॉर्ब कीजिए. तो ये स्लोली एब्जॉर्ब करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. कॉन्फिडेंस एक अलग चीज है. शुभम सर से सुनते हैं कॉन्फिडेंस के बारे में. हेलो एवरीवन, कुबेर सर ने, शेखर सर ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें आपको बताई. तो रिविजन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत मायने रखता है, दैट इज़ एक्चुअली वेरी क्रूशल. बट और जो फैक्टर है, जो की फैक्टर है, वो है कॉन्फिडेंस का. तो अभी जो पीरियड है आपका, इसमें वही चीज़ें कीजिए जो आपको कॉन्फिडेंस देता है. अगर आपको लगता है कि मॉक लिखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो मॉक लिखिए. सीसैट देने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो सीसैट के एग्जाम्स या मॉक्स लिखिए. अगर मान लीजिए 800 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं यूपीएससी में, तो उनकी 800 डिफरेंट स्टोरीज हैं और आप उस स्टोरी का पार्ट बनने जा रहे हैं. तो अभी अगर आप घबरा रहे हैं तो ये घबराना बिल्कुल वाजिब है. बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और वही कीजिए जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है. थैंक यू.